Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Event Kumar Maths Lover. Dear students, our topic is 40 days strategy for IAF. Indian Air Force का exam नजदीक है. जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि नवंबर के first week में exam होने की संभावना है. अभी तक date clear नहीं हुआ है. लेकिन मैक्सिमम संभावना है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है कि आपका एग्जाम हो ही जाए, क्योंकि कॉलेज और कोचिंग अभी बंद हैं और आगे भी अभी बंद रहने की संभावना है. तो आप लोगों को हम सामने से स्ट्रेटजी तो बता नहीं सकते, तो इसलिए हम सोचे कि चलो वीडियो से आपको हम कुछ बता दें जिससे आपको कुछ गाइड मिल जाए और बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपके अनयूजुअल होते हैं उससे आप शायद बच सकें. तो पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि बच्चे क्वेश्चंस कर रहे हैं कि सर किस किस एक्सरसाइज से बना लें कि हमको अच्छा मार्क्स आ जाए. तो अब इस वीडियो में आपको सारे क्वेश्चंस का जवाब मिल जाएगा कि मैथमेटिक्स में आपको क्या करना चाहिए कि अच्छा आप स्कोर कर सकें. देखिए टोटल 25 प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं. इंडियन एयरफोर्स के जो एयरमैन का एग्जाम होता है उसमें टोटल 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप लोगों को मैक्सिमम प्रॉब्लम ये जो बुक है मैथमेटिक्स फॉर एनडीए एनए एस चांद पब्लिकेशन का आर एस अग्रवाल का जो बुक है इससे मैक्सिमम क्वेश्चन आता है. मैक्सिमम क्वेश्चन सेम टू सेम डेटा सहित प्रॉब्लम इसी बुक से रहता है. तो इस बुक का क्वेश्चन ही ज्यादा से ज्यादा हमको मैथ्स के लिए प्रैक्टिस करना है. आप लोगों को जो हमारे बच्चे हैं जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो हमसे पढ़ चुके हैं उन सबको हम पहले ही क्वेश्चन टिक आउट करवा चुके हैं क्लास में और मोस्टली इस बुक से 70% क्वेश्चन 60-70% क्वेश्चन हम इस बुक से पहले ही छाट के हटा चुके हैं, रिमूव कर चुके हैं. इट मीन्स ओनली 30-40% प्रॉब्लम्स ही सॉल्व करने हैं इस बुक से. तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने आपको दिए हैं और टोटल के टोटल 30-40% इतने प्रॉब्लम्स अगर आप इस बुक से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मैक्सिमम चांस है कि आपको बेहतर मार्क्स मिल जाए. ठीक है, मैक्सिमम चांस. और उस 30-40% क्वेश्चन में भी आपको कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम, मतलब ये कि जिसका रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद रखना होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना है, ऐसे प्रॉब्लम्स हमने आपको बहुत ज्यादा टिक आउट करवाए हैं और वो क्वेश्चन हम आपको कॉपी में भी लिखवा चुके हैं. हमारे कॉपी जो हम आपको पढ़ाए हैं, हमारा जो पढ़ाया हुआ कॉपी होगा, जो कॉन्सेप्ट्स का कॉपी होगा, उस कॉन्सेप्ट में आपको मैक्सिमम जगह पे आपको हर कॉन्सेप्ट वो लिखा दिया गया है, एज ए कॉन्सेप्ट लिखा दिया गया है प्रॉब्लम्स को जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट आता है. तो ऐसे क्वेश्चंस भी 10% अगर हम साइड कर लें तो हमारे पास 20-30% ही इस बुक से क्वेश्चंस बच जाते हैं बनाने के लिए. ठीक है ना, तो आप इस बुक से बेहतर प्रिपरेशन कर सकते हैं. अब रहा कि प्रॉब्लम कहां कहां से आता है ये हमको जानना जरूरी है. देखिए यहां मैथमेटिक्स में जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारा पोर्शंस है, जैसे अलजेब्रा है, ठीक है, फिर आपका ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है ना, फिर आपका ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री के बाद आप कैलकुलस रख लो, है ना, और कैलकुलस, और उसके बाद आपका हो गया मेजर जो बुक है जो आपको है ना मेजर पोर्शन, उसके बारे में बात कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये चार हमारा मेजर पोर्शन है. अब इसके बाद छोटा छोटा देखिए क्या है, वेक्टर एंड 3D है, वेक्टर एंड 3D, और उसके बाद आपको प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना, और थोड़ा सा आगे आपको बाइनरी सिस्टम है, ठीक है ना, इस तरह से. तो सारे पोर्शंस पे हम लोग ध्यान देंगे. जैसे अब देखिए अलजेब्रा, अलजेब्रा से आपको क्या होना है, अलजेब्रा से जो प्रॉब्लम्स होंगे आपको
वह 5 to 8, 5 to 8 का मतलब क्या हुआ कि मिनिमम 5 प्रॉब्लम्स एंड मैक्सिमम 8 प्रॉब्लम्स। अब यहां थोड़ा सा समझने वाली बात है, 5 to 8 कैसे ये ऑस्किलेट होगा। जैसे अब एक सेट में तो एग्जाम होता नहीं है, और इस बार चूंकि क्या कहते हैं COVID-19 का प्रॉब्लम चल रहा है, तो आपको कम बच्चे एक बार में बैठाए जाएंगे, तो हो सकता है कि एग्जाम लंबा चले। पहले 4 दिनों में समाप्त हो जाता था, तो हो सकता है कि इस बार 7 या 8 दिन तक एग्जाम चले, इस तरह की संभावना है। जब इतने दिन तक एग्जाम चलेगा तो स्वाभाविक है कि सेट्स की संख्या बढ़ जाएगी, सेट्स की संख्या बढ़ जाएगी। अब सेट्स की संख्या जब बढ़ेगी तो एयरफोर्स को क्वेश्चन पूछने के रेंज भी बढ़ जाएंगे, ठीक ना। जो प्रॉब्लम आपको पूछा जाएगा सेम टू सेम प्रॉब्लम अगले को नहीं पूछा जा सकता। हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन मैच कर जाएं अलग अलग फॉर्म से, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन मैच नहीं करेंगे, ठीक है, कॉमन क्वेश्चंस नहीं होंगे उतने। तो अब स्वाभाविक है कि उनको पूछने के लिए रेंज बढ़ जाएगा। तो 5 to 8 हमने रखा, ये अक्सर पूछा जाता है। किसी के सेट में 5 क्वेश्चंस होंगे मिनिमम अलजेब्रा से, किसी में 6 होंगे, किसी में 7 होंगे, किसी में 8 होंगे, इस तरह से। तो अब यहां 5 to 8 है। अब इस अलजेब्रा में भी क्या है कि आपको देखिए कई एक्सरसाइज है, क्या क्या है आपको, सीक्वेंस एंड सीरीज है, ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज है। फिर आपको यहां पर प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर है, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद प्लस में क्वाड्रेटिक है आगे आपको, और क्वाड्रेटिक के बाद आपको प्लस में देखिए परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, है ना, पी एंड सी सीधे आप समझ सकते हो। एंड प्लस उसके बाद आपको बाइनोमियल थ्योरम है, ठीक है ना, बाइनोमियल थ्योरम है, और उसके बाद आपको इसमें मैट्रिक्स, मैट्रिसेज एंड डिटरमिनेंट, है ना, डिटरमिनेंट। तो आप देख रहे हैं कि कितना एक्सरसाइज इसमें है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 2, 8, है ना, टोटल इतने एक्सरसाइज इसमें आपको है। टोटल आप देख रहे हैं कि 5 to 8 प्रॉब्लम पूछे जाएंगे इतने एक्सरसाइज से। तो आप ही सोच लो कि कहां कहां से पूछना है, किस चैप्टर को आप छोड़ोगे और किस चैप्टर को आप बनाओगे, है ना, ये कहना मुश्किल है। तो हमारे लिए बेहतर यह है कि प्रत्येक एक्सरसाइज को हम कुछ ना कुछ अच्छे से बेसिक कॉन्सेप्ट को पकड़ लें, बेसिक कॉन्सेप्ट को, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से ही आता है। बहुत ज्यादा हार्ड और बहुत ज्यादा डीप क्वेश्चंस की संख्या कम होती है, ठीक ना। जो 25 प्रॉब्लम्स हैं उसका स्ट्रेटजी क्या होता है, देखिए ये 25 में आपको 10 to 12 क्वेश्चंस जो होते हैं बहुत इजी होते हैं, इजी क्वेश्चन, ठीक है, बहुत आसान। 15 तक लगभग आपको, मानिए 12 to 15 तक आपको इजी प्रॉब्लम होते हैं। उसके बाद आपको क्या होता है कि लगभग आपको यहां पे मान लीजिए 6 से 7 क्वेश्चन आपको जो है, 6 से 7 क्वेश्चन आपको क्या होना है, मीडियम क्वेश्चन होना है, मीडियम, ठीक है। और उसके बाद आपको इस तरह से 7 से लेकर के मतलब 3 से 7 तक, 3 से 7 तक मतलब 3 क्वेश्चन मिनिमम, मैक्सिमम 7 तक आपको हार्ड क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर 3 मिनिमम पूछा हार्ड, तो इसका मतलब हमसे 22 क्वेश्चन बनाने लायक पूछ दिया। अगर 7 हार्ड पूछा तो फिर भी 18 क्वेश्चन हमें बनाने लायक रखा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमको 25 में से 15 क्वेश्चन अगर ढंग से आ जाए तो हमारे लिए अच्छा से मार्क्स लेना मुश्किल काम नहीं होगा। 15 मार्क्स अगर हम मैथ्स में ले आते हैं तो हमारे लिए मेरिट लिस्ट में आना आसान हो सकता है, बहुत इजी हो सकता है, बशर्ते आपको अदर जो सेक्शन है उसमें भी बेहतर मार्क्स आपको करने होंगे, ठीक है ना। तो ये आपको हमने बताया। तो क्या होता है कि कभी कभी सीक्वेंस एंड सीरीज से 2 क्वेश्चन पूछ दिया, कॉम्प्लेक्स से 1 पूछ दिया, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से 1 पूछ दिया, 1 बाइनोमियल से पूछ दिया। इसमें से जितने चैप्टर हैं सारे चैप्टर से कहीं ना कहीं किसी न किसी सेट में प्रॉब्लम रहना ही रहना है। सो अगर आप ये सोचते हो कि कोई खास एक्सरसाइज हम पढ़ लेंगे और उससे हमको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन
जो है सो मैच कर जाएगा, तो ये सोचना आपके लिए बेवकूफी साबित हो सकता है, ठीक ना। सो ऐसा आप ना करें, हर एक्सरसाइज को थोड़ा ना थोड़ा करके आप जरूर पढ़ें। उसके बाद देखिए ट्रिग्नोमेट्री से प्रॉब्लम आपको बहुत कम आता है, 1 to 2 प्रॉब्लम, 1 से 2 क्वेश्चन, इसलिए कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज वो कैलकुलस में या फिर आपको कोऑर्डिनेट में दे करके चेक कर लेता है कि आपका नॉलेज ट्रिग्नोमेट्री में कैसा है। तो ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में ज्यादा नहीं होता है, 1 to 2 प्रॉब्लम, बहुत हार्ड जाएगा तो 3 क्वेश्चन, ऐसा अभी तक नहीं हुआ है, मैक्सिमम 1 to 2। कैलकुलस में आपको देगा लेकर के 4 to 6, 4 से लेके 6 तक, मिनिमम 4 मैक्सिमम 6, मिनिमम 4 और मैक्सिमम 6, इस तरह का आपको रहेगा, ठीक ना। अब इसमें भी आपको मालूम है कि लिमिट, एक लिमिट का क्वेश्चन फिक्स रहना है, लिमिट देना ही देना है, ये एकदम फिक्स्ड है, ठीक है, लिमिट फिक्स्ड है। फिर एक डिफरेंशिएशन होगा जो कि आसान ही रहेगा, ये भी ठीक है। इंटीग्रेशन से एक क्वेश्चन रहना ही रहना है इंटीग्रेशन का, और ये इंटीग्रेशन में आपको डिफिनिट या इनडिफिनिट दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको मैच करेगा। तो इंटीग्रेशन में मैक्सिमम बच्चे क्या होते हैं कि थोड़ा सा दिक्कत में आ जाते हैं, कई बार क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा टाइप का दे देता है, लेकिन आप लिमिट को पूरा तरह से अगर पढ़ लेते हो, डिफरेंशिएशन पूरा तरह से पढ़ लेते हो, ठीक है, और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से, ठीक ना, आपको देख लेना है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मोनोटोनिक नेचर से और मैक्सिमम मिनिमम से, ये दो चीज से अगर आप बेहतर तरीके से देख लेते हो तो काम हो जाएगा। इस बुक में टोटल 28 एक्सरसाइज है, तो उसमें से एक चैप्टर ग्राफ ऑफ इन इक्वेशन है। ग्राफ ऑफ इन इक्वेशन से एग्जाम में क्वेश्चन कभी नहीं आता है, उसको आपको नहीं देखना है। इसका मतलब 27 एक्सरसाइज है, उसी 27 एक्सरसाइज में आपको प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करना है। तो ये आप लोग देख लिए, एरिया बाउंडेड बाय कर्व एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी कैलकुलस का एक पोर्शन है। तो एरिया बाउंडेड बाय कर्व आपके सेक्शन में अगर नहीं है तो किसी दूसरे के सेक्शन में होना होगा। एक क्वेश्चन एरिया बाउंडेड बाय कर्व से किसी सेक्शन में रहता है, किसी में नहीं भी रहता है, ये फिक्स नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशन से एक ऑर्डर एंड डिग्री जानने वाला, और एक क्वेश्चन आपको लीनियर, जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछ देता है कई बार, और कई बार आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन पूछ देता है। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रॉब्लम प्रैक्टिस बहुत एकदम ना के बराबर कीजिएगा, चांस ही बहुत कम रहता है देने का। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को बेहतर तरीके से आप कवर कर लीजिएगा, और वेरिएबल सेपरेशन मेथड, ये दोनों को आप ढंग से थोड़ा देख लीजिएगा तो काम हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब हम आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको 3 क्वेश्चन 3 से 4, मिनिमम 3 मैक्सिमम 4, 3 से 4, इससे ज्यादा आपको नहीं रहने हैं, ठीक ना, 3 से 4। तो 3 से 4 क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन बेसिक से, सिंगल क्वेश्चन आपको बेसिक से रहना है, उसके बाद आपको एक क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन से रहना है, और उसके बाद एक क्वेश्चन आपको कॉनिक सेक्शन से, सर्कल हो जाए चाहे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से आप लोगों को नहीं देता है, बहुत कम चांस नहीं ही रहता है। तो सर्कल, सर्कल में भी कई बार बच्चों से सेंटर एंड रेडियस पूछ देता है। कॉनिक सेक्शन में बहुत ये चर्चित क्वेश्चन है सेंटर फाइंड करने का, चाहे वह इलिप्स का हो, चाहे हाइपरबोला का हो, चाहे पैराबोला को हो या सर्कल का हो। और एक आप जानते होंगे कि जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स जो होता है, ठीक है, जिसको आप लोग पढ़े होंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 एच एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर प्लस 2 जी एक्स प्लस 2 एफ वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये जो है आपको पूछता है कि किस कंडीशन में सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, किस कंडीशन में पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है, किस कंडीशन में इलिप्स एंड हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है। ये कंडीशन थोड़ा याद कर लीजिएगा, हो सकता है कि आप में आ जाए प्रॉब्लम, ठीक है। तो उसके वर्टेक्स को फाइंड करने का, पैराबोला के वर्टेक्स को फाइंड करने का, फोकस को फाइंड करने का, लैटरस रेक्टम को फाइंड करने का, ये सारा चीज थोड़ा टॉपिक उसमें देख लीजिएगा, तो आपका काम कॉनिक सेक्शन से निकल जाएगा। तो कॉनिक सेक्शन तक को आपको ठीक से थोड़ा सा देख लेना बेसिक तौर पर।
उसके बाद वेक्टर एंड थ्री डी, वेक्टर एंड थ्री डी में भी बहुत हार्ड क्वेश्चन मैंने पूछते हुए नहीं देखा। कई बार तो इतना आसान क्वेश्चन पूछ दिया जिस पर मतलब फेथ नहीं होता कि इतना आसान क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो कई बार मैंने देखा यूनिट वेक्टर, कुछ बच्चों का कहना था कि सर यूनिट वेक्टर क्या होता है, ये पूछ दिया है ना। तो छोटे छोटे डिफिनिशंस जो हैं इसके, आप पूरे वेक्टर्स के, उन सभी डिफिनिशंस को आप याद कर लीजिए। बेसिक तौर पर डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, इन सब चीजों को बेसिक लेवल पर आप देख लीजिए, आपका काम बन जाएगा। और एक डायरेक्शन कोसाइन अच्छे से देख लीजिएगा, डायरेक्शन कोसाइन से क्वेश्चन अक्सर आता है। तो डायरेक्शन कोसाइन और उसके प्रॉपर्टीज को आप ढंग से थोड़ा पढ़ लीजिएगा तो वेक्टर एंड थ्री डी हो जाएगा। और इससे आपको एक से दो क्वेश्चन रहना है, एक से दो क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद आपको देखिए इधर प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी में भी आपको एक से दो क्वेश्चन, आपको हो सकता है कि एक पूछ दे या आपको दो क्वेश्चन पूछ दे, इस तरह से आपको यहां तक पूछा जा सकता है। इसमें आप लोगों को इस बुक का पूरा हेल्प लेना है, इस बुक से अच्छे से आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है ना। जितना बेहतर तरीके से आप इस बुक को प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए आसान होगा, ठीक है ना। चलिए तो एक क्वेश्चन और थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स को देख लीजिएगा, स्टैटिस्टिक्स को एयरफोर्स में आपको रहता है, खास करके आप मीन से देख लीजिएगा और मीन डेविएशन से, मीन डेविएशन से, ठीक है ना। बहुत ज्यादा डीप नहीं जाता है ये, मीन एंड मीन डेविएशन ये आप देख लीजिएगा कैसे निकाला जाता है। एक स्टैंडर्ड डेविएशन भी देख लीजिएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये तीन टॉपिक को ढंग से देख लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा, बहुत आसानी से आपको स्टैटिस्टिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मीन, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, इससे एक क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन इससे आना है, एक क्वेश्चन, ठीक ना। तो अब आपके पास ये पूरा हमने बता दिया कि मैथमेटिक्स में आप कैसे प्रिपरेशन करोगे कि अच्छे से आपका मार्क्स आ जाएगा। अब देखिए एक सेट आपको डेली बनाना चाहिए, इसके लिए आप कोई भी बुक ले सकते हो। और हमारे पास जो हमसे बच्चे पढ़ चुके हैं उन बच्चों को हमने पहले ही 14 या 16 सेट्स दे चुके हैं, 16 सेट्स मैथ्स का हम दे चुके हैं, जो कि एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप उस प्रॉब्लम को प्रैक्टिस कर लेते हो तो हम ये नहीं कहेंगे कि सेम प्रॉब्लम आपको वही एग्जाम में आ जाएगा, लेकिन उस पर आधारित क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे, ठीक है ना। कोई भी टीचर अगर टिक आउट करता है प्रॉब्लम तो वह दावा नहीं कर सकता कि 100% यही प्रॉब्लम आएगा, लेकिन बेस वही होगा, पैटर्न वही होगा, तरीका वही होगा। अगर आप उस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं तो मैक्सिमम चांस है कि जो एग्जाम में प्रॉब्लम आएंगे वो आपसे सॉल्व हो जाएंगे। आप पैटर्न को पकड़िए, कॉन्सेप्ट को पकड़िए कि जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो उसी कॉन्सेप्ट पर आपको एग्जाम में अगर दे दिया जाए तो आप बना पाओगे कि नहीं। अब एक बार क्वेश्चन दे दिया कॉस इनवर्स -1/2 का वैल्यू क्या होगा, अब आप समझ सकते हो कि कितना आसान प्रॉब्लम है। कॉम्प्लेक्स नंबर में दे दिया z=2+i का मॉडुलस क्या होगा, अब बताओ ये सब क्वेश्चन हार्ड है क्या, नहीं, ये बेसिक नॉलेज की आवश्यकता है। बेसिक नॉलेज अगर हम सरफेस पर कवर कर लेते हैं तो आसानी से मैथमेटिक्स हमारा निकल सकता है। अब ये स्ट्रेटजी 40 डेज में कैसे कंप्लीट होगा, तो इसमें टोटल हमने कहा 27 एक्सरसाइज आपको बनाने हैं, तो कई एक्सरसाइज इसमें ऐसे हैं जो सिंगल डेज में आपको हो जाने हैं, सिंगल डेज में, और कुछ एक्सरसाइज जो लॉन्ग हैं वो आपको 2 डेज लेंगे, ठीक है। तो जो लॉन्ग एक्सरसाइज है उसको आप 2 डेज दीजिए, और जो सॉल्ट है जैसे बाइनरी, बाइनरी सिस्टम से एक क्वेश्चन दे देगा सिंगल, ये कन्वर्ट करना होता है, तो इसको आप हाफ आवर में या 1 आवर में इस चैप्टर को आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं आप, है ना। तो आपको करना क्या है कि जो एक्सरसाइज थोड़ा लॉन्ग है उसमें आप 2 डेज दीजिए, और जो एक्सरसाइज आपको शॉर्ट है, इजी है, उसको आप 1 डेज दीजिए। इससे एक क्वेश्चन फिक्स है, इससे एक क्वेश्चन फिक्स है, ये प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन फिक्स है, ये सारा पोर्शंस जो है वह सिंगल डेज में खत्म होने लायक है, तो इसको आप सिंगल सिंगल डेज दीजिए।
दूसरी बात यह कि जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट है उन बच्चों के लिए स्ट्रेटजी फॉलो करना आसान होगा, ठीक है, वो बच्चे बड़ी आसानी से रिवीजन कर सकते हैं, ठीक ना। लेकिन जो अच्छे से पहले से आप कवर नहीं किए हुए हैं तो उनके लिए मुश्किल हो सकता है, दिक्कत हो सकता है, ठीक ना, हो सकता है कि आप कर ही ना पाए, ये हो सकता है। लेकिन अगर आप चाहेंगे, आपके अंदर जिद होगा, आपके अंदर जुनून होगा, आपके अंदर पागलपन होगा, तो फिर कुछ भी संभव है, कुछ भी संभव है, ठीक है। अगर आप मतलब होता है ना दीवानगी की हद तक, तो फिर अगर ऐसा अगर हो गया तो 40 दिन में बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है, बशर्ते आईपीएल से थोड़ा बच के रहने की आवश्यकता है। हमने देखा कल रात में आईपीएल जो ही समाप्त हुआ और मैच का मतलब मैच खत्म हुआ तो कितने बच्चों के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका मैंने देखा पोस्ट एकदम धरधरा करके, चेन्नई सुपर किंग का एकदम जो समर्थक थे वो लगातार कंटिन्यू ढेर सारा पोस्ट कर डाले मैंने देखा। तो बच्चे आप लोग इन सब चीज से दूर हो जाओ, कैरियर फर्स्ट देन एनीथिंग, सबसे पहले जिंदगी में कैरियर है। और इस दुनिया में लक्ष्य कुछ होता नहीं, लक्ष्य बस एक ही होता है इंसान का जीवन का, यश और कीर्ति। वहां तक पहुंचने के लिए हम छोटे छोटे लक्ष्य को डिसाइड करते हैं और वह लक्ष्य आगे चल करके हमारे लिए साधन साबित होता है, साधन है ना, जिसे हम लक्ष्य समझने की भूल करते हैं, वास्तव में वह हमारा साधन होता है। तो हम इस पर अभी डिस्कस नहीं करेंगे, बट इतना हम आपको कहेंगे कि साधन जुटाना बहुत जरूरी है, ठीक है, साधन जुटाना। ये आपका एयरफोर्स का एग्जाम थोड़े देर के लिए लक्ष्य है, जब तक आप उसे पा नहीं लेते हो। जब आप उसे पा लोगे तो फिर वह आपके लिए साधन बन जाएगा। साधन कैसा, तो वहां से अर्निंग होगा, आपका एक पैशन पूरा हुआ, अब जो अर्निंग होगा उस अर्निंग पर आप अलग चीज को कंप्लीट करोगे, अब है ना, अब वहां के बाद से खुद सर्वाइव करोगे, तो आपका लक्ष्य ये हो गया। आप अपने पेरेंट्स को खुश रख पाओगे, आपका लक्ष्य ये हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि इसमें साधन है और साधन जुटाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, ठीक है। सिर्फ आपकी जिंदगी आपके हाथों में नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है, सिर्फ आप ही खुद पर डिपेंड हैं ये नहीं है, आपके ऊपर कुछ और लोग भी डिपेंड होने वाले हैं, है ना। तो थोड़ा सा अपने आप को समझना है, केयरफुल होना है, ठीक है। जो इंसान हमारे पीछे इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके भावनाओं को समझना है और फिर उनके सपनों पे खरे उतर करके उनके सपने को पूरा करने की आवश्यकता है, ठीक ना। तो देखिए यहां जो आपको हमने बताया ये कंप्लीट करना है और इसके साथ साथ पर डे जैसा कि हम आपको बोले कि एक सेट आप बनाइए, उसमें आपको 16 सेट जो हम पहले दिए हुए हैं उसको भी आप बनाइए। कुछ दिनों बाद हम फिर से लगभग 20 सेट्स जल्दी ही लेके आएंगे, 20 सेट्स, 20 से 25 सेट हम लेकर के आएंगे और ये 20 से 25 सेट हम अपने ऐप नारायण ट्यूटोरिंग क्लासेस, है ना, ये हमारा ऐप है नारायण ट्यूटोरिंग क्लासेस, इस ऐप पर हम आपको लाइव क्लास के द्वारा टोटल आपको सॉल्व करवाएंगे। जितने भी हम सेट्स लाएंगे उन सभी सेट्स को इस पर हम सॉल्व करवाएंगे, बहुत ही आपको जो है सो लो प्राइस में ये अवेलेबल रहेगा, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और इससे पहले आपको एक दिन अलजबरा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होता है, जो आपको स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो हमने आपको सेंड कर दिया था। फिर से अब हम क्या कोशिश करेंगे कि जो कोऑर्डिनेट है, जो कैलकुलस है, उसका प्रोबेबिलिटी है, वेक्टर एंड थ्रीडी है या बाइनरी सिस्टम है, ये सारा चीज, स्टैटिस्टिक्स है, ये सारा चीज से आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टिक आउट करके शेयर कर देंगे। जितने भी ग्रुप्स बने हुए हैं हमारे डिफेंस ग्रुप, उसमें हम शेयर कर देंगे, आप लोगों को अवेलेबल जल्द ही हो जाएगा सारा प्रॉब्लम। और उन्हीं प्रॉब्लम को आप प्रैक्टिस कर लोगे तो मैथमेटिक्स आपको बेहतर तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगा। अब ये मैथमेटिक्स का कंप्लीट प्रिपरेशन हो गया, फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी आपको एक सही स्ट्रेटजी के साथ, सॉरी केमिस्ट्री नहीं, फिजिक्स एंड इंग्लिश, फिजिक्स एंड इंग्लिश में भी आपको सही स्ट्रेटजी के साथ आपको तैयारी करना है, जिससे कि आप बेहतर मार्क्स ला पाएं, है ना। तो आप लोग उस पर पूरा फोकस कीजिए। फिजिक्स में न्यूमेरिकल ज्यादा नहीं आता है, फिजिक्स में न्यूमेरिकल आपको कम होंगे, 25 क्वेश्चन में 3 to 5 क्वेश्चन, 5
फाइव क्वेश्चन तक आपको क्या होंगे कि न्यूमेरिकल होंगे, ठीक है। लेकिन 20 क्वेश्चन आपको लॉजिकल रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो आप ज्यादातर कॉन्सेप्ट पर फोकस कीजिए, कॉन्सेप्ट पर, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट अगर आप अच्छे से पकड़ लेते हैं तो होगा कि फिजिक्स भी आपसे कवर हो जाएगा, ठीक है ना। और इंग्लिश वाले सर आमोद सर हैं, आप उनसे संपर्क करिए, उनसे बात करिए, वो आपके पीछे मेहनत कर रहे हैं, हम कई दिनों से उनको देख भी रहे हैं, तो उनके मेहनत को आप लोग सफल कीजिए, ठीक है। और जल्दी हम आगे आपके लिए बेहतर तरीके से सेट लेके आएंगे, वो सेट आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, बशर्ते आप सब अब थोड़ा मन लगा के पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और आईपीएल के जाल में मत फंसिए, आईपीएल को समय मत दीजिए, ये जो मैच है ये आते रहेगा कंटिन्यू, है ना, लेकिन ये 2020 नहीं आएगा, आपका एज वापस नहीं आएगा, ठीक ना, ये आपके लिए सिंगल टाइम है। तो आप मैच से दूर रहिए और जम करके पढ़ाई कीजिए, हम आपका नाम आगे के मेरिट लिस्ट में देखना पसंद करेंगे। कई बच्चों को जब हम शेयर करते हैं, जब उनका रिजल्ट होता है, जब फेसबुक पर शेयर करते हैं, तो कई बच्चे लिखते हैं कि सर काश मेरा भी नाम इसमें होता, और कभी आप शेयर करते, तो मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कर सकूं, ठीक ना। तो आप लोग जम के मेहनत करो, और आगे ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ हम लोगों का, आप जल्दी से जल्दी क्वालिफाई हो करके हमारे पास आओ, जिससे हम आपको मिठाई खिला सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए स्ट्रेटजी के साथ, तब तक के लिए आप लोगों को बाय बाय एंड टेक केयर।